खिंचवा दिया है। ओम शांति। जी। और क्या कहा बाबा ने अस्कार मुरली में? जो भी पॉइंट आपको अपने लिए लगा हो, अच्छा लगा हो या मन चिंतन के, वो सुना सकते हैं सभी। कृपया सभी एक एक पॉइंट से शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो, कोई अपना अनुभव हो बता सकते हैं। ओम शांति। आज का वरदान था हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव, है ना। जो भी हमारी हद की इच्छाएं हैं उसको हमें निकाल देना है। बाबा ने एक पॉइंट विस्तार में बहुत अच्छा बोला है कि मांगना अर्थात इच्छा बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होना तो अवश्य पूरा होगा, है ना। बेहद की सेवा में हमें हद की कोई भी इच्छा नहीं रखनी है तो संकल्प हमारा पूरा हो सकता है। और बाबा ने इसमें ये भी कहा है कि अथॉरिटी के साथ साथ हमें रिस्पेक्ट से भी बात करनी है ना। बाबा का ज्ञान मिला है तो वो अल्माइटी अथॉरिटी का ज्ञान है तो हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी आती है, लेकिन हमें बैलेंस रखना है, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पेक्ट से भी बात करना है। ओम शांति। थैंक यू। जी भाई जी, बहुत अच्छा। अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पेक्ट से बात करनी और पतित को पान बनाने की युक्ति बतानी, बहुत अच्छा भाई जी। ओम शांति। और भी सभी बता सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? बाबा ने रक्षाबंधन का बताया, रक्षाबंधन में क्या बताया, रक्षाबंधन के बारे में बाबा ने सभी। ओम शांति। इसमें भी हम चिंतन कर सकते हैं कि बाबा ने देही अभिमानी बोला है ना, तो इस स्टेज के ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं कि देही अभिमानी क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है, इसके इसके इसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है, और यह जो भी अलग अलग विभिन्न स्थितियां बाबा बताते हैं ना, वो उनके ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं ना। तो मुझे आत्मा को ऐसा लगता है कि देही अभिमानी माना कि देह में रहते हुए मालिक मालिक बनकर कोई भी कर्म कराना ना, जैसे हाथ का कोई काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो आत्मिक स्थिति में राजा बनकर देह में रहते हुए कर्मेंद्रिय से कर्म कराना, इसको देही अभिमानी कहेंगे, ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। बाकी जन भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी भाई, अधीन नहीं अधिकारी बन के रहना, ठीक कहा आपने, बिल्कुल। काम कर्म जैसे काम करवाना, अधिकारी बन के अधीन नहीं बनना, बहुत अच्छा भाई जी। और भी सभी शेयर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी, आज बोलिए। आज बोला है ना बाबा ने रक्षाबंधन के बारे में, तो बाबा बोलते हैं कि प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा आप पावन बनाने आए हो तो मैं जरूर पावन बनूंगा, तभी तो पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। वास्तव में यही बाबा बोलते हैं कि यही रक्षाबंधन है, पवित्र बनना और पवित्र बनाना और पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और सदा पवित्र रहना। ओम शांति। जी दीदी जी, पहले पवित्र ब्राह्मण क्षत्रियों में तो था ही नहीं रक्षाबंधन। उसके बाद फिर जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ पंडित लोग बांधते थे पुत्र होते, फिर कन्या को कहा बांधने के लिए, फिर धीरे धीरे अब देखो कहाँ पहुंच गए हम। बहुत अच्छा दीदी जी, और भी सभी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी शेयर पॉइंट करना चाहते हैं इसके अन्य इसके अलावा भी कर सकते हैं, प्लीज सभी करें एक एक पॉइंट शेयर।
ओम शांति अवसरी। हाँ जी भाई जी आ रही है। वरदान हो गया भाई जी? हाँ जी हो गया, आप कर सकते दोबारा। नहीं, ये हद की इच्छा क्या होती है? हद की और बेहद की इच्छा। इच्छा मतलब हम कितना लिमिट में रखे इच्छा को, क्या है इच्छा भाई जी? ऐसा अगर हम एक इच्छा करते हैं हद की, तो दो पहले पैदा हो जाती हैं। एक चीज की डिमांड से दो पहले डिमांड और हो जाती हैं। एक पूर्ण होते दो पैदा होती हैं। हद की जब इच्छा खत्म होती नहीं, ये चाहिए अच्छा नहीं बने देती हमें। बाबा कहते हैं इच्छा पत्र विद्या बेहद। नहीं भाई जी, हम समझते हैं इच्छा क्या है, पर बाबा ने बोला कि हद की इच्छा। अभी हद की इच्छा का ऑपोजिट बेहद की इच्छा, राइट? तो मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई करना चाहता था कि हद की इच्छा से हम क्या समझते हैं इसको, वरदान को। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा का ऐसे चिंतन चल रहा है कि हद की इच्छा माना जो भी हम नाम मान शान के लिए है ना, बाबा ने बोला है कि बेहद की सेवा में हद की इच्छा नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे कोई सेवा कर रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम हो, है ना, मैंने सेवा किया है, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। और बेहद की इच्छा माना क्या है? कि सतयुग में हम उच्च पद पाए, लक्ष्मी नारायण बने, ये मुझे आत्मा को लगता है बेहद की इच्छा है ना? तो मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन है कि बेहद की इच्छा भी हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें तो बाप समान निस्वार्थ लक्ष्य रखना चाहिए, तभी हम अच्छे से उसको पूरी 200 नाखूनों के जोर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी हद की इच्छा या बेहद की इच्छा से हम पुरुषार्थ करेंगे तो इतना नहीं हो सकेगा, ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छा सुनाया, और जो मैंने सुना उसमें अनीता जी समझा रहे थे, तो वो कहने लगे कि जैसे हमें सेवा पे जाते तो थोड़ा साधन चाहते हैं, कुछ ना कुछ सूक्ष्म में होता है कि हमें साधन भी मिलने चाहिए, फिर हम नाम उसको क्या देते हैं कि सेवा है ना, तो बाबा की सेवा इसमें जरूरत है, ये तो ना इसमें यह काम आएगा। तो माना इतना सूक्ष्मता से उन्होंने कहा चेकिंग करें कि हद की कहीं ना कहीं होती है, सल्वेंशन हमें चाहिए होती है, नाम हमें सेवा का हो जाता है कि सेवा के लिए चाहिए ना, बाबा के कार्य के लिए चाहिए ना ये चीज, तो साधनों के लिए उन्होंने बताया। शान ये तो है ही है जो भाई जी ने बताया कि हद के नाम मान शान में नहीं फंसना और बेहद की ही रखना है हमने, बेहद की भी नहीं है क्योंकि हमें उसमें अपने पद की ही इच्छा हो तब हम कुछ कार्य करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते शांति धाम में जाएगा तो देह का भान खत्म हो जाएगा, देही अमीबानी बनेंगे। बाबा ने कहा कि शरीर यह ज्ञान तो भगवान सुनाते हैं, आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। शरीर छोड़ते हैं तो विनाशी चीज भी खत्म हो जाती है, फिर क्या रहेगा? आत्मा। आत्मा और हम आत्मा, हम बाप है परमात्मा। ब्रह्मा तन में आकर समझते कि इसलिए नाम रखा है प्रजापिता। बाबा ज्ञान के वर्षा करते, परमात्मा इस शरीर द्वारा हम बच्चों को समझते। जो वर्षा लेने चाहे है उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बच्चे कहते हैं मैं भी पवित्र बनूंगा, यह है राखी का बंधन का महत्व। टाइटल है तुम कर्मयोगी हो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने स्लोगन में भी बोला है कि याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनो। हम सदा परमात्मा की याद में रहेंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे, अनकंडीशनल लव वो भी करेंगे, तो बाबा बोलते हैं कि तुम माया जीत बन सकते हो। ओम शांति। जी ओम शांति। सो हद की और बेहद की इच्छा पर चर्चा हो रही है। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, है ना? सो
कोई भी मान शान का इच्छा हो, है ना, हमारा हम समझते हैं ना हमारा संबंधी जो उनका तबीयत ठीक नहीं है ना, उसका उसके लिए हम मनसा में ये संकल्प करते हैं ना वो ठीक हो जाए, है ना। तो ये सब क्या होता है, हद की इच्छा ही होता है, है ना। कोई प्यार दे के, कोई मान दे, रिस्पेक्ट दे, सहयोग दे, ये सब क्या है, हद की है। सो बेहद, बेहद माना कौन सा, बेहद सभी के लिए हम जो इच्छा रखते हैं वो बेहद का होता है ना। हम अकेले के लिए क्यों रखना है ना, ये आत्मा ही तबीयत ठीक हो जाए, नहीं, सभी का तबीयत ठीक हो जाए, है ना, ये बेहद का सेवा, बेहद का इच्छा, ठीक है। सेवा करते हम कर्म करते हैं तो फल का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बाबा ने बेहद का ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का मंथन करना चाहिए। ओम शांति। ये हद का बेहद का, ओम शांति जी, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है ना। सो जो भी हम सेवा करते हैं उसका रिटर्न हम अपेक्षा नहीं रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कोई भी सेवा आप करें, है ना, तो उस सेवा के लिए हम निस्वार्थ सेवा कहते हैं। कोई भी रिटर्न हमको, हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, कोई भी हो जाए। सो ये निस्वार्थ सेवा, आज बाबा ने वही कहा ना, सो हमें रक्षाबंधन का महत्व बताया और रक्षाबंधन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, है ना, इसके ऊपर बाबा ने। हाँ सावित्री आप कुछ। ओम शांति दीदी। हाँ, यहाँ पर हद और बेहद की जो चर्चा हो रही है बाबा के ज्ञान रत्नों की, तो यहाँ पर हमारा दिल, हमारा जितना दिल हदों से निकलता जाएगा उतना बेहद प्राप्तियों से भरपूर होता भी जाएगा, क्योंकि भगवान की श्रीमत पर चलकर गुणों में हमें अच्छा बनना है, और दिल की हर बात ख्वाहिशें स्वतः ही पूरी होती। अगर हमारे गुण अच्छे हैं तो दिल की ख्वाहिश भी स्वतः ही पूरी होती जाती है, क्योंकि फिर मांगने की जरूरत ही नहीं है। दिल सब प्राप्तियों से इतना संपन्न रहता है कि बेहद की सेवा बिना हद के संकल्प के बगैर संकल्प के भी वो पूरी हो जाती है अगर हम बेहद की सेवा में जाते हैं, क्योंकि भीतर से अच्छा बनना ही हमें प्राप्ति संपन्न बनाता है। जैसे बाबा ने बोला कि याद और निस्वार्थ सेवा हमें माया जीत और विजय बनाती है, तो बाबा की याद और सेवाओं में दिल मतलब व्यर्थ विकल्पों से भी सदा सुरक्षित रहता है। ओम शांति। ओम शांति जी। बेहद के अंदर हद अपने ऑटोमेटिकली आएगी, अगर हम पर्टिकुलर एक इंसान देते हैं या सारे विषय को देते हैं अपने आप वो बीच में ही आ जाएंगे ना, वेद के अंदर बताया जाता है। हाँ जी, ओम शांति। भाजी हमारा एक दीदी जी, भाजी जो भी यहाँ पे आज इंचार्ज, उनका थोड़ा सजेशन है कि ये पवित्रता का अव्यक्त इशारा चल रहा है ना, बहुत ही नशे वाले पॉइंट आ रहे हैं, तो उसका अगर चिंतन भी हम इसमें शामिल कर दे, या फिर आपके सोच विचार इसके ऊपर बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि आज का भी पॉइंट हमको बोल चला कि मास्टर पतित पावन है, दुख और शांति की दुनिया में पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है, ऐसा था ना पॉइंट आज का, अव्यक्त इशारे। ओम शांति। अभिजीत भाई जी इसके ऊपर बताएंगे। अच्छा, अभिजीत भाई जी कहा है, श्योर वी विल ऐड। ओके, सो कल से ऑनवर्ड्स हम इसका भी हम ऐड करेंगे, है ना। सो ये सब इंटरलेटेड भी हो सकता है ना, जो भी अव्यक्त इशारे होते हैं, सो बहुत मनन करने के लिए योग्य है, वो भी अच्छा है। थैंक यू भाई जी, पंकज भाई जी, आपने एड्रेस किया। सो जरूर हम अध्ययन भी करेंगे, उसके ऊपर चिंतन भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अच्छा, और कोई किसी पॉइंट आपको शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज जैसे कि मुरली में बाबा ने बहुत दिनों के बाद बोला है कि
बाबा का नाम प्रजापिता ऐसे है, बाबा ने बोला है ना, तो ऐसे चिंतन चला कि प्रजापिता ये शब्द अगर हम जब सुनते हैं तो प्रजा माने ये राजा के संदर्भ में आती है ना, तो फिर ऐसे चिंतन चला कि बाबा ने ऐसा नाम क्यों रखा होगा प्रजापिता। तो बाद में ऐसा चिंतन चला कि अगर विश्व पिता रखते तो विश्व पिता तो फिर सारे विश्व का पिता हो जाता है ना, तो फिर वो तो एक ही है शिव बाबा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक प्रजापिता कहा है, मतलब इसका अर्थ है कि जो भी ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनका उनके रिलेटेड बाबा ने कहा है, ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन चला है। बाकी भी इस पॉइंट पर यदि आपका कुछ अलग चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ना ये भी समझाना चाह रहे हैं ना कि प्रजा का पिता मतलब प्रजा में ही होगा ना, तो प्रजा तो नीचे है, सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं ना ब्रह्मा को, तो वहां तो कोई प्रजा नहीं है ना, तो ये दिखाने के लिए कि प्रजा का पिता मतलब नीचे ही से ही लिया गया, धरती से ही लिया गया, तो ये नहीं कि ऊपर, वो तो सूक्ष्म वतन में दिखा देते हैं और यही सोचते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन का ही है, तो वो तो बाबा ने हमें समझाया कि प्रजा में से लिया गया है, फिर बच्चे यहाँ है तो पिता भी यही होना चाहिए प्रजा, तो इसीलिए प्रजा पिता ने, और यहीं से बंद रखते तो ब्रह्मा ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर अभी जो पुरुषोत्तम भाई साहब ने जो पॉइंट शेयर किया उसमें इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन दिया था इसका, वो दिया था फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रजापिता का, तो मुझे भी इससे यही समझ आया कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इस संसार में ही होते हैं और बाकी परमधाम में तो सब आत्माएं होती हैं, तो इसलिए फादर ऑफ ह्यूमैनिटी या प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं ना, हम इस देश के क्या बोलते हैं प्रजा है ना, सो हम अपने आप को जो भी समझते हैं वही और बाबा ने चूज किया है प्रजा, हम इस देश की प्रजा बोलते हैं ना, और कोई वर्ड नहीं बोलते हैं, इसलिए शायद वो भी हो सकता है ऐसे। अच्छा ठीक है, सो आज की मुरली में है ना सभी बातें इंटर रिलेटेड है ना, रक्षाबंधन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मुख्य त्योहार है बाबा ने कहा आज की मुरली में है ना, इससे सारी दुनिया पर वो पवित्र बन जाती है, सो पवित्र बनने के लिए क्या करना है वो बाबा ने बताया है ना, घड़ी घड़ी देह अभिमानी समझना है, देह अभिमानी स्थिति में स्थित होना है ना, घर जाना है उसको भी याद रखना है, और निस्वार्थ सेवा है ना, इच्छा मात्रा विद्या, ये सब क्या है पवित्र बनने के लिए मूल मंत्र है ना, अव्यभिचारी याद, सो ये सब बाबा ने कहा है ना इंटर रिलेटेड करके। अच्छा ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है, हम आज अभी योग करते हैं, उसके बाद हम मुरली शुरू करेंगे। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़कर आज का मुरली का चिंतन शेयर करने के लिए।
शांति। स्थिर करें अपनी बुद्धि को परम धाम में। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं आत्मा कंबाइंड हूँ शिव बाबा से। मैं बाप समान आत्मा हूँ। जैसे बाप विश्व सेवक हैं, वैसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ विश्व सेवक हूँ। मैं दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा की संतान मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ ये संकल्प करती हूँ कि इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापना करने ही है। अनुभव करें सुख शांति के सागर बाबा से सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निरंतर निकलकर संसार की सर्व आत्मा को पहुंच रही है। इन सुख शांति की किरण से संसार की सर्व आत्माएं शांत सुखी हो चुकी है। प्रकृति की पांच तत्व भी शांत हो चुकी है। Let's visualize again. सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से सुख शांति की किरण सारी संसार की आत्मा को पहुंच रही है। हर सर्व आत्माएं सुखी और शांत हो चुकी है। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझसे निरंतर बाबा शांति का दान सारे विश्व को दे रहे हैं। ओम शांति।
एक मिनट, वो ज्वाइन हो रही है अभी, दीदी जी आएंगे, वो पढ़ने वाले हैं आज की। दीदी डेट कौन सी है, 3/11 है या 30/11 है? थ्री इलेवन 2015 का है। सेता सिस्टर कल तो पढ़ लिए थे, 3 नवंबर का तो कल पढ़ लिए थे ना? कल ये मुरली हो गया है दीदी, आज तो 12 का 31, 12, 15 ड्रामा में संगम का ये मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। अच्छा 31/12/2015 का। हाँ अच्छा, ओ वेदा दीदी म्यूट पर है। अच्छा ओम शांति दीदी, आज कौन सी डेट की मुरली है? ओम शांति। श्वेता सिस्टर टेलीफोन से आई थिंक कंफर्म करके बताएंगे अभी। हाँ जी एक सेकंड में कंफर्म करके बताएंगे जी। शायद 31/12/15 है जी। मेरा आवाज आ रही है? 31/12/2015 का मुरली है। हाँ जी दीदी जी ठीक है। अच्छा आज की मुरली का डेट 30/12/30/11। अच्छा शेरू भाई जी आप थर्टियंथ 11 का मुरली ओपन करना है। अच्छा बुक में ये मुरली नहीं है शायद। ठीक है स्क्रीन पर स्क्रीन से ही पढ़ना होगा जी। वेदा दीदी जी आप है ऑनलाइन अभी? दीदी आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, अनम्यूट करना है अपने आप को। स्क्रीन पर आता है ना? हाँ okay. आ गया स्क्रीन पर। हाँ आपको दिखाई दे रही है ना जी?
आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। दीदी आपका माइक म्यूट है। हाँ जी अभी अनम्यूट हुआ। अभी हाँ जी अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य रिवाइज डेट 30/11/2015 सदा फक में रह बेफिकर दशाहवन तीर पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन साधने की तैयारी। बाप दादा में एक तो फकुर रहने की, दूसरा फकुर माना नशा बेफिकर। फकुर तब रहेंगे जब बेफिकर बादशाह होंगे। उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना है आज हमें बाबा बताएंगे। आज बाप दादा बेफिकर बादशाहों की सभा देख रहे हैं, चेक करें हम सब बेफिकर है, कोई प्रकार की फिक्र नहीं है छोटी मोटी। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपनी फिक्र बाप को देकर बाप से फकुर ले लिया है। जब माँ बाप साथ होंगे बच्चे कैसे होंगे, इस ऐसे ही भगवान हमारे साथ हैं। तो बाबा कहते अनुभव करो हम बेफिकर है। यह सभा अभी ही लगती है सारी कल्प में केवल इस समय। तो आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिकर और बादशाह बन चलते हो ना। सारा दिन में शुरुआत जो होता है ओपन एंड क्लोजिंग टाइम सारा दिन देखना है, इसलिए बाबा कहते सवेरे से चेक कर कर्म करते मेरे अंदर कोई भी फिकर नहीं है। माना डाउट्स संशय होता है नहीं होता है, कुछ देरी होता है तो चिंता तो नहीं लगती, इसका चेकिंग के लिए बाबा कहते चेक कर बादशाह बन चलते हो ना। ये बेफिकर का जीवन कितना प्यारा लगता है। बाबा कहते अपने चेहरे देखो, जब फिकर वाला मुकड़ा और बेफिकर वाला मुकड़ा कौन सा अच्छा लगता है। हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा कहते बेफिकर जीवन कितना प्यारा लगता है। तो बेफिकर ज्ञानी क्या दिखाई देता, बाबा कहते सदा अपने मस्तक पर लाइट महसूस करे। अभी भी फील कर ये भी 5 मिनट लेट हुई, कुछ सेटिंग लेट हुई, कोई अंदर में कोई विचार तो नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल के बाबा कहते हैं। तो ये बेफिकर जीवन फ्यू सेकेंड हम वेट करते हैं देखेंगे।
अच्छा अभी हम कंटिन्यू करते हैं। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट माना आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। सो हम बेफिक्र है तो लाइट है ना, हमारा स्थिति भी लाइट सो आत्मा भी लाइट वो दिखाई देता है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फकुर लेकर फिकर लेकर फकुर दे दिया है ना। सो बाप ने क्या किया? फिकर लेकर फकुर दे दिया। जिनके जीवन में फकुर नहीं फिकर है उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। देखिए बाबा ने क्या कहा, फिकर है तो हमारा स्थिति भी लाइट नहीं रहते है सो मस्तक का लाइट भी नहीं दिखाई देता है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती है, लाइट के बजाय बोझ की रेखाएं दिखाई देते हैं। तो बताओ आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिकर बाप को देकर फकूर ले सकते हैं। हाँ जी दीदी आप कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ ओम शांति दीदी कंटिन्यू करें प्लीज। बाबा पूछ रहे हैं आपको क्या पसंद है, लाइट पसंद है बोझ पसंद है? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिकर बाप को देकर फकुर ले सकते हो। ऑप्शन दे रहे हैं बाबा, बोझ आता है देना है, किसको देना है, कब देना है, अभी ही समय है, इसलिए बाबा कहते बाप को देकर फकुर ले। आप सबको बेफिकर लाइफ पसंद है ना, देखने वाले भी बेफिकर लाइट पसंद करते हैं, लाइट को ही पसंद करते ना, बोझ या अंधकार को कोई पसंद नहीं करता। तो बाप दादा आज चारों के बच्चों के, चाहे सन्मुख है चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। देखिए बाबा सदा पॉजिटिव हमें देखते हैं तो हमें भी ऐसे अभ्यास करना है। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिकर भी आता है, चेकिंग के लिए बाबा प्रश्न दे रहे, बेफिक्र रहते कभी फिकर भी आता है कोई फिकर? जब बाप ने प्रकृति जीत विकारों जीत बना दिया तो फिकर कैसे आ सकता है? दो बातें बाबा यहाँ बता रहे, विकार आने का, एक प्रकृति माना शरीर की, दूसरा विकारों की। जब वशीभूत होते फिकर आता है, हम दोनों बाबा को दे दिया तो हाथ उठाओ बेफिकर बने हो, बने हो सदा। अगर बेफिकर बने हो सदा बने हो, बाबा पूछ रहे सदा बने हो या कभी कभी? कभी कभी वाले भी है, बाबा पूछ रहे इस सभा बेफिक्र की, लेकिन कभी कभी वाले भी है इस सभा में, हाथ तो नहीं उठाते हैं, बाप दादा भी नहीं देखने चाहते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे को कैसे देखना चाहते? बेफिक्र रहना माना अभी तक जो पॉइंट सुना उसका दोहराए, बेफिक्र रहना माना बाप दादा हर बच्चे की बेफिक्र देखना चाहते हैं।
बाबा कहते हैं पसंद नहीं करते ना फिकर हो, अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है, जो भी तोड़ा बहुत फिकर आता है। को देने के लिए बाबा कह रहे मेरे को तेरे में बदल, यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो ना मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा, हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या, मेरे को तेरे में समाना मुश्किल है क्या, इतना छोटा सा फर्क। संकल्प कर लिया सब तेरा और मेरा क्या रहा, मेरा बाबा। अगर दुनिया में इस संगम युगी संसार में हमारा क्या है, केवल मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया, इसलिए क्या बन गए, बेफिकर बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिकर बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। हमें भी बाबा के सामने संकल्प करें, देखो भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं, एक तो लाइट का ताज है, एक तो लाइट का ताज है ही क्योंकि पवित्र है ना, बेफिकर आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती रहती है। और आप दूसरा ताज है, बाबा कहते एक तो चमकती हुई लाइट का ताज, दूसरा ताज है विकारों पर विजयी बने हो, इसलिए ताज दिखाते हैं। इसलिए ये अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने बेफिकर लेकर फिकर लेकर पकुर दे दिया तो क्या बन गए हो, बेफिकर बादशाह। बादशाह बने हैं ये तो सबको आई ही, क्योंकि हम आत्मा काल मूरत आत्मा है ना, मस्तक में आत्मा चमकती है। बाबा कहते ये तो सबको आई ही, और दूसरी तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो बाप दादा सबको यही तीन तख्त प्राप्त है ना, बाबा पूछ रहे ये तीन तख्त आप सबको प्राप्त है ना, सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो, क्या चेक करना है, बाबा कहते हैं चेक करो तख्त पर रहते हो, सारा कारोबार चलाते भी बाबा कहते हैं तख्त पर बैठे रहते हो, माना कॉन्शियस रहता है, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है, जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपना दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आ जाते हैं,
यह देहबान मिट्टी है ना, बाबा कहते देहबान में आना माना मिट्टी में, बहुत समय मिट्टी में रहे हैं, तो कभी कभी मिट्टी क्या होता है, कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते हो, आदत पड़ गए ना बार बार देह में आने का कॉन्शियस में, बाबा कहते चेक करो, कभी कभी मिट्टी में तो नहीं आ जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं, इसलिए ही इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, समय का बहुत वैल्यू है कहते बाबा, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था कि संगम के समय में दो बातों का हर समय अटेंशन देना। सीक्रेट बता रहे बाबा, संगम युग में दो बातों का अटेंशन देना, वो दो बातें तो याद होगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी है, बाबा के सामने प्रतिज्ञा करा रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों को संकल्पों द्वारा देने की हिम्मत रखी, माना जहां व्यर्थ संकल्प होता था वहां समर्थ संकल्प करेंगे करके बाबा को प्रॉमिस किया, तो चेक करो हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मत से बच्चे एक बार तो बाबा हजारों बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो, व्यर्थ संकल्पों का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वो कायम है, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत जाता है, और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। बाबा कह रहे जैसे अभी राखी चल रहे ना, कर राखी, तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, तब की अशांत आत्मा को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है, दुख का शांति को भगाने के लिए आपको पहला संदेश देना है, तब उन आत्माओं में सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे, क्योंकि बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय कर रहे हमारी सेवा, बाबा की सेवा में हम कैसे चल रहे, पुरुषार्थ क्या है, बाबा नोट कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहते यहाँ चेक करो कौन सा तीन तीन तख्त कहा बाबा ने, डबल ताज कहा, उसको बुद्धि में एक बार दोहराए ताकि सारा दिन याद रहेगा। करने के लिए अच्छा अक्का वेदा दीदी आपका बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज नहीं क्लियरली आता है।
ओके हाँ जी, सिग्नल प्रॉब्लम होगा. ओके कंटिन्यू. ओके ओके दीदी, थैंक यू. ओके आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी अक्का, थोड़ा आपका डिस्टरबेंस है, बार बार कट हो रही है. सो आप सिग्नल पर आएंगे तो. नहीं इधर नहीं आ रहे, नेट का प्रॉब्लम शायद. ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं. बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है. प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है इस 75 वर्ष की जुबली मनाने का. बाप दादा यही चाहते हैं, प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रही है, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ, जो कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाए. अच्छा अच्छा बहुत खाते हैं. बाप दादा ने भी बच्चों के सेवा की ये रिजल्ट तो देखी है, और बाप बच्चों पर खुश भी है, दिल से कर रही है, और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से है. इतना अंदर तो आया है ना बाबा, जो बताते हैं वारिस बनाना है ना. अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ. इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है. तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकेंड में बिंदी लगाना, सेकेंड और बिंदी दोनों समान है ना. व्यर्थ से हमें मुक्त होना है ना, सेकेंड में बिंदी लगाना है, सेकेंड और बिंदी दोनों समान. तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है. अभी इस रूप को सदा अनुभव करो ना. बाप दादा जब सामने रहते हैं तो हम कैसे रहते हैं, समर्थ स्थिति में रहते हैं ना. सो कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो, याद रखना ये बात को. आज बाप दादा ने देखा, गुरुवार का दिन है, बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे. तो बाप दादा ने कहा, समाप्त के दो दिन विशेष है, सॉरी सप्ताह के दो दिन विशेष है, एक गुरुवार दूसरा इतवार माना संडे. तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है, गुरु से क्या मिलता है, वरदान. तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है, इस रूप से गुरुवार को मनाओ. कोई ना कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्श रखो. वरदान तो अनेक है, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख. चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन. वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है. अंडरलाइन है ना, रिपीट नहीं, उसका स्वरूप बनना है. और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे. अंडरलाइन, ठीक है, वरदान स्वरूप हम कितना समय रहे उसका चेकिंग भी करना है. सेकेंड का दिन, सॉरी संडे का दिन विशेष, दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ. जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी देना है. बाबा युक्ति बता रहे संडे क्या करना है, है ना. स्वप्न मात्र भी जो कमजोरी है उसको छुट्टी देना है. तो जैसे लोग ये दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष ये लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो. लक्ष्य नहीं लक्षण भी जरूरी है ना. स्वरूप बनना है, बाबा ने कहा ना गुरुवार संडे कमजोरी को विदाई देना है.
बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है, इसलिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकेंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन अपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकेंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चले, तो ऐसे तैयारी है। सो बाबा वही पूछ रहे, बीच में तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, है ना, मेरा तेरा का संकल्प नहीं आएगा, साथ तो चलना है ना, चलना है, कांध हिलाओ, चलना है। अच्छा पक्का? हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। बाबा का हाथ में हाथ हम रखते हैं, मना बाप समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में चले। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में, राज घराने में आएंगे। मंजूर है ना? मंजूर है, तैयारी है, मंजूर है, मंजूर है में तो हाथ उठा लेंगे। ये हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है, सेवा तो अभी रही हुई है, सेवा समाप्त हो गई है, है ना। चलने के लिए क्या करने, हमारा सेवा समाप्त किया है। बाबा पूछ रही, संदेश सबको पहुंच गया है, सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को, बाप आ गया है, वर्षा लेना हो तो ले लो, ये संदेश दिया है। बाबा पूछ रही है, सभी को दिया है, अभी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उला ना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना, उठो, बाप को प्लान बनाया है ना, उठो। मीडिया वालों को उठाया, अच्छा है, उलाना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है, तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, देरी मत नहीं करना। अब क्या कर रहे, इमीडिएट प्रैक्टिकल में लाना है। आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है ना। दूसरा कारण क्या है, उमंग भी कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को तो पसंद है कि घर घर में ये उलाना पूरा हो जाए, तो हमको तो पता नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया, वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना, सबको उमंग है, सेवा करके उलाना पूरा करना है ना, हमें उलाना पूरा करना है, सभी को संदेश पहुंचाना है। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा के दिल की आशा को तो सभी जानते ही हो, समान और संपूर्ण, समान और संपूर्ण, ये दो शब्द सदा चेक करो। तो क्या बाप की ये आशा पूर्ण की, जाने के लिए पहले ये आशा पूर्ण की, समान और संपूर्ण बन गया? क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का सितारा समझते हैं, हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, ये तो बाप दादा भी जानते हैं। इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है, ये प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार के प्लेन में आते हैं, तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से खुश है, है ना। बाबा इस सब्जेक्ट में सभी को नंबर वन देते हैं, प्यार के सब्जेक्ट में। लेकिन जो दो शब्द बाप चाहते हैं, कौन सा, समान और संपूर्ण,
इसको भी संपन्न करना ही है, अंडरलाइन समान और संपूर्ण। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देख एक एक बच्चे को दिल के प्यार की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा हम यहाँ रुकेंगे, टाइम तो हो रही है ना। अच्छा अभी हम एक मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर सभी अपना मनन चिंतन शेयर करना, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अच्छा ओम शांति। आज ड्रामा कब आ गई है ना, थोड़ा दीदी का नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा थैंक यू वेदा दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आपने तो बहुत प्रयास किया लेकिन ड्रामा का भावी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। अभी सभी अपने चिंतन करें, क्या कहा बाबा ने आज के मुरली में, बेफिक्र बादशाही बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब बातें बाबा ने कही, शेयर करना चाहेगा जी। मेघा सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोला कि बेफिक्र बादशाह बनकर बाप समान और संपूर्ण बनना है, तो बाबा बोलते हैं कि फिक्र पूरा बाबा को दे दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। वो तो बोला ही है कि समय अभी कभी कभी बेफिक्र नहीं बनना है और कभी भी कोई भी फिक्र लेनी नहीं है, सदा के लिए बेफिक्र बनना है। और दूसरा बाबा ने बताया कि समान और संपूर्ण बनना है। जब हम बाबा के जैसे समान और संपूर्ण बन जाएंगे, मतलब अशरीरी का अभ्यास बाबा ने बोला है बोध करना है। अभी हम 63 जन्मों से देह अभिमान में है, तो बाबा बोलते हैं कि ये मिट्टी इधर मिट्टी में पांव रखना ही नहीं है, सूक्ष्मोतन या परम धाम उसमें ही स्थित होना है और ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करना है। ये अंत में हमें बहुत काम आने वाली है। और जब हम निराकारी बनकर ही निराकारी बाप के साथ हम लास्ट में जा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। आए बाबन का बेफिक्र बनने के लिए मेरे को तेरे में बदलना है, मैं और तेरे की मात्रा का फर्क है। बाबा से फिक्र लेकर फिक्र दे देना और फकुर ले लेना बाबा को, फिक्र बात करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए सेकंड में बिंदी लगाना है। ओम शांति जी। बेफिक्र बादशाह का मेन क्या है, लक्षण व्यर्थ से मुक्त है ना। सो तभी तो हमारे डबल लाइट सिर ताज दिखाई देंगे है ना, आत्मा भी लाइट और पवित्रता के लाइट भी दिखाई देंगे। बेफिक्र बादशाही माना व्यर्थ से मुक्त, स्वराज्य अधिकारी है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान सीट में सेट होने वाले है ना, बाप के दिल तक तो नशीन वाले है ना, प्रकृति के तक तो है और राज्य तक भी है, लेकिन उस सबसे श्रेष्ठ तक कौन सा है, बाप की दिल तक में रहने वाले है ना, बाप की याद में रहने वाले। सो ये बात तो पापा ने कही, और समान और संपन्न बनने वाले बेफिक्र बादशाही रहते हैं। ओम शांति जी। दीदी अपना ये अभी जो दिल तक का बात हुआ ना डिस्कशन, कि वो श्रेष्ठ तक है राइट, तो को जिसने बाप दादा को अपने दिल तक पे बिठाया है वो बाप दादा के दिल तक पे बैठेगा राइट। और बाबा ने आज कहा कि जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में है मास्टर सर्वशक्तिवान का,
तो ये सदा श्रेष्ठ स्थिति का क्या है, जरा बताएंगे, कोई क्लैरिफाई करेंगे प्लीज, कि जो दिल तक बाप दादा का श्रेष्ठ है उसका क्राइटेरिया क्या है, कि जो बाप दादा को अपने दिल तक पे बिठाएगा और जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहेगा मास्टर सर्वशक्तिवान की। ओम शांति। अच्छा, कोई बताना चाहेगा श्रेष्ठ स्थिति माना क्या है? ओम शांति। जो श्रेष्ठ स्थिति है वो है स्व में स्थित होने की स्थिति, और स्व में स्थित हम स्वमान के साथ होते हैं, और सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वो स्वमान का राजा है। तो हम ये स्वमान लेकर हमेशा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहे। तो अगर हम अपनी स्वस्थिति के सिंहासन पर मीन्स तख्त पर हमेशा बैठते हैं तो समझो कि हम बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं सदा के लिए। तो बाप दादा ने यही क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप अपने स्वमान की सीट पर हमेशा रहते हो ना, तो समझो कि आप मेरे दिल तख्त पर भी हमेशा बैठे हुए हो। तो ये सब इंटरट्विंगल है, इंटरमाइमिंगल है, कि अब हम अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर अपने स्वस्वरूप में स्थित रहे, तो बाप दादा के दिल तक पर हमेशा बैठे हुए ही है। आई होप इट क्लियर्स। थैंक यू। जी, मैं कौन हूँ है ना, ये स्मृति स्वरूप में स्थित होना है ना, मैं आत्मा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, मैं किसका संतान हूँ, ये स्मृति स्वरूप बाबा ने कहा ना आज, जस्ट ये स्वमान में स्थित होना माना क्या है, उस स्वरूप का, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, उस स्वरूप हम बन जाना है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये तो बड़े समान है ना, नंबर वन। सो इस स्वरूप स्वरूप में स्थित होना, मैं जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, वो क्या क्या कर सकते हैं उस स्थिति में रहकर, वैसे ही मैं भी उस स्थिति में रहकर बाबा समान कार्य करना है ना, सोचना, सब कुछ करना। सो इसको हम नंबर वन स्थिति कर लेते हैं, है ना। सो बाप समान स्थिति। सो वेदा दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो। अच्छा, है ना जी, शैली सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, जैसे अभी श्रेष्ठ स्थिति की बात चल रही है, तो जो मुझे आत्मा का ये चिंतन चला कि श्रेष्ठ स्थिति क्या है, श्रेष्ठ माना कि सबसे ऊंची से ऊंची स्थिति, और वो स्थिति हमारी है स्वराज्य अधिकारी की। क्या मैं अपनी हर परिस्थिति में अपने मनसा वाचा कर्मणा जो है मेरी, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? ये तो नहीं है कि अगर कोई भी बात मेरे सामने आ जाए तो मुझे लगे कि ये बहुत बड़ा कठिन पेपर है, तो उसको अगर मैं पेपर समझकर करूंगी तो मुझे वो उसमें कुछ टफनेस भी नजर आएगी, तो क्या मैं उस परिस्थिति में हलचल में तो नहीं आ जाती हूँ, तो क्या उस परिस्थिति में मैं अपने आप को पूरी तरह से मतलब अपने आप को पूरी तरह से ये संतुष्ट हूँ उस परिस्थिति, क्या मैं अपने आप को होल्ड कर सकती हूँ उस स्थिति में? तो इस तरीके हमें ये स्व की चेकिंग है, तो हमें ये देखना की, और ये हर समय का अभ्यास है, क्योंकि जीवन में हर समय हमारा जो है एग्जामिनेशन हॉल है, और हर समय कोई ना कोई कैसी ना कैसी परिस्थिति आ रही है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि कोई बुरी परिस्थिति है, अच्छी भी परिस्थिति है, और अगर अच्छी भी आती है तो क्या एकदम से मैं एक्साइटेड तो नहीं हो जाती हूँ उसमें? तो अपने आप को ना दुख में दुखी और ना सुख में सुखी, माना कि एक स्थिति में क्या मेरे में वो पावर है अपने आप को होल्ड करने की, तो मुझे मेरा ये चिंतन चला। ओम शांति। जी बिल्कुल सही है ना, यही बाप समान स्थिति है। बाप को ऐसे कुछ दुख होता है क्या और खुशी होती है क्या, है ना? हम बच्चों के लिए बाबा कुछ करने के लिए हम
बाबा बोलते हैं आपको देख करके मुझे बहुत खुश होते हैं, है ना बाबा, अच्छे वक्त कहते हैं। लेकिन बाबा उनका स्थिति कैसे है, है ना, जैसे अभी शैली सिस्टर ने बहुत अच्छा शेयर किया है ना, एक तरह से जैसे दीदी ने कहा ना दुखी से ना सुखी, इसका मतलब वैराग्य, ना किसी से वैर ना किसी से राग, ना किसी से राग ना किसी से वैर। ओम शांति जी। साक्षी दृष्टा, इसको साक्षी दृष्ट स्थिति हम कह सकते हैं, है ना। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? सो संडे और गुरुवार को कुछ बाबा ने विशेष बातें कही, कोई शेयर करेगा? संडे के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति सिस्टर, गुरुवार, अभी गुरुवार का और संडे का बारे में जो बाबा ने बोला है ना, तो बाबा बोलते हैं कि जो गुरुवार को हमें वरदान मिलता है, वो वरदान तो हम बहुत बार रिपीट करते हैं, मीनिंग भी उसका लेते हैं। तो बाबा बोलते हैं सिर्फ वरदान रिपीट मत करो, उसके स्वरूप बनो। जो बाबा ने वरदान दिया है ना उसको अनुभव करो, उसके स्वरूप बनो। और संडे को बाबा ने जो बोला है ना, छुट्टी का दिन होता है, वो हॉलीडे होता है। तो बाबा बोलते हैं कि जो हम संडे के दिन जो हमारी जो कमी कमजोरियां है, जो हम हमारे में जो है मीन्स कुछ है, कमी है, तो उसको बाबा बोलते हैं कि उसको छुट्टी दे दो। ओम शांति। है ना, हमारा कमजोरी को छुट्टी देना और हमारा स्वस्वरूप स्थित हो जाना, वो भी मास्टर सर्वशक्तिमान उच्चते उच्च स्वमान में स्थित होना, यही बेफिक्र भाषाई स्थिति। जी शैली सिस्टर, आप आज की मुरली में मुझे जो कीवर्ड्स बाबा के लगे है ना, कि बाबा ने कहा है कि इस संगम, जो हमें इस संगम पर ही अपने हर जीव, मतलब इस एक जन्म में ही अनेक जन्मों की प्रालब्ध बनानी है, और उसके लिए बाबा ने दो बातों पर अटेंशन खिंचवाया है, एक तो समय और संकल्प, तो दूसरा बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर बाबा ने कहा ना विजय प्राप्त करनी है हमें, क्योंकि और फिर बाबा ने पूछा है कि क्या वो संकल्प देने की हमारे में हिम्मत है, तो हमें ये चेक करना है, और क्योंकि तभी तो हम बाबा के जो है मददगार बन सकते हैं। तो इस प्रकार व्यर्थ संकल्पों के और तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने बनने के लिए कहा, दूसरा कीवर्ड है, और तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा ने एक सेकंड में बिंदु, तो बाबा ने उसके लिए अटेंशन खिंचवाया है। तो ये चीजें जो है, जितना हम इसके ऊपर पुरुषार्थ करेंगे, तो मुझे लगता है कि यही हमारा सबसे मेन जो सारे ज्ञान का सार है, कि क्या एक सेकंड में मैं अपने आप को बिंदु रूप में स्थित कर सकती हूँ। तो मुझे ये दो चीजें बहुत मतलब स्ट्राइक की हैं इस मुरली में, तो और उसी से ही हम जो है बाबा हमारा बेफिक्र बादशाह का रूप जो बाबा इस समय देख रहे हैं, तो जितना हम इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, और बाबा से फकुर ले सकते हैं, और अपने सारे फिक्र बाबा को देख कर फकुर का हमेशा हर समय फकुर के नशे में रह सकते हैं, फकुर ले सकते हैं। ओम शांति जी। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हम आज की मुरली से एक ही पॉइंट हम उठाएंगे तो सब पॉइंट्स उसमें आ जाता है ना। कौन सी पॉइंट है वो? इतना बातें बाबा ने समझाया बेफिक्र बादशाह माना क्या है, सो उसमें एक पॉइंट हम उठाएंगे तो वही काफी है, सब पॉइंट उसमें आ जाते हैं। वो हम वो प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। कौन सा है जी? मैं से ते दीदी, मैं को ते, तो पूरा अपना समर्पित हो जाते, संपूर्ण समर्पित, संपूर्ण सर्वांश त्यागी कहते हैं ना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, पूरा मैं को तेरे में बदल दिया, मन बुद्धि संस्कार सहित। ठीक है, वो तो समर्पण बुद्धि है, ठीक है, उससे भी हाईएस्ट। एक सेकंड में बिंदु लगाना उस, हाँ, उस स्थिति को क्या बोलते हैं बाबा? बाप समान स्थिति, कौन सा है बाप समान स्थिति? आज बाबा ने उस
अशरीर, आप अशरीर कहते हो? बाबा ने संपूर्ण और संपूर्ण बताया दीदी, उसके लिए एक हम पुरुषार्थ करें तो काफी है, ये सब आ जाते हैं उसमें, मैं इसे समझती हूँ जी। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वरूप बन जाना है, है ना? ये बाप समान स्थिति है ना, इसमें आप सी देखिए, बाबा सर्वशक्तिवान है, हम उनका स्वरूप बन जाना, समान बन जाना, इस स्थिति में हम रहेंगे तो सब पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना? सो हम, मुझे ऐसा लगता है मास्टर सर्वशक्तिवान है, इस स्वरूप में हम स्थित हो जाना, स्मृति स्वरूप बन जाना, इससे बेफिक्र बादशाही का पूरा सारा पॉइंट्स आ जाएंगे। बाप समान स्थिति है ये, सो इससे हम व्यर्थ से मुक्त बन जाते हैं, है ना? इधर समर्पण तबाव से भी हम ऊपर चले जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। सो जैसे हम डिस्कस किया, एक रस स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, है ना? सभी पॉइंट्स आ जाते हैं। सो हम यही हम प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन में, हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, मैं बाप समान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बेफिक्र बादशाही हूँ, यही सम्मान लेके हम सारे दिन में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिकर से फारी, फकुर में रहेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुटने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेदा दीदी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय देख करके हमें मुरली पढ़ने के लिए आई, लेकिन ड्रामावश ड्रामानुसार वो नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। ओम शांति, गुड नाइट।